to Secretary of Arunachal Pradesh Building and Other Construction Workers Welfare Board, ESS Sector, ITANAGAR 791111, inaugurated by Sri Jalley Sonam, Honorable Chairman, APB&OCWWB, in presence of Sri Ajay Ndano, Arunachal Pradesh Labour Service, LC Camp Secretary, Arunachal Pradesh Building and Other Construction Workers Welfare Board, on 24th September 2018. नमस्कार, मेरा तरफ से मैं जाले सोनम अरुणाचल प्रदेश बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड का चेयरमैन। मेरा बहुत बड़ा सपना था, जब 2010 में मैं जब चेयरमैन आया तो मेरा एक सपना था कि पार्मिनेंट एक बोर्ड का ऑफिस बनाया जाए। कि 2007 से ये बोर्ड चालू हुआ तो अभी अराउंड 12 ईयर्स हो चुका है कि बोर्ड का ऑफिस नहीं था। हम लोग इधर से इधर, इधर से इधर एक रेंज में काफ़ी करोड़ रुपया हम बोर्ड का बोर्ड रेंज में नुकसान भी हुआ है। तो इसलिए मैं 2010 से 13 तक चेयरमैन रहा। फिर अभी हमारा बीजेपी सरकार ले पेमा खांडू साहब का ब्लेसिंग से, लेबर मंत्री कमर वाई साहब का ब्लेसिंग से मैं दोबारा चेयरमैन वापस आया। मेरा जो सपना अधूरा रह गया है कि मैं एक अधूरा ये था कि परमानेंट बोर्ड का बिल्डिंग बनाना है, उसके बाद हाउसिंग लोन वगैरह देना है वर्कर्स को, जो वर्कर्स का पैसा है 1% लेबर सेस है उसको लेबर का वहाँ पहुँचाया जाए, तो मेरा कुछ अधूरा रह गया। तो इसलिए मैं सबसे पहले तो हमारा मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू सर को थैंक देना चाहूँगा। तो इनका ब्लेसिंग से मुझे दोबारा यहाँ पे बोर्ड में मुझे फिर अपॉइंटमेंट किया है। तो मेरा जो सपना था वो आज बहुत बड़ा कामयाबी हुआ और आज नया बिल्डिंग हमको बोर्ड का नया बिल्डिंग हम लोग ने लिया है। ये लोग का डिमांड था जितना यहाँ मेरा सामने जो खड़ा है, मेरा फ्रेंड्स लोग है, पुराना लीडर लोग है, कि इन लोग का पूरा डिमांड था कि बोर्ड ऑफिस जैसे भी परमानेंट होना है। तो इसलिए आज 24 सितंबर 2018 में सारे अरुणाचल का जितना भी बेनिफिशियरी वर्कर्स है कि यहाँ एक परमानेंट इनका घर हो गया, कोई भी लेबर प्रॉब्लम है अपना ऑफिस यहाँ में है, ESS सेक्टर ईटानगर नियर हायर सेकेंडरी स्कूल ईटानगर है। तो इसलिए हम लोग अभी ऑफिस हो गया अपना समोकली, हमको कोई टेंशन नहीं है, कोई मुझे पर महीना इतना लाख रुपया का कोई भाड़ा देना पड़ेगा, हमारा ये टेंशन ख़त्म हो गया। कि अभी हमको कि सिस्टमेटिकली जो लेबर का वेलफेयर में जाना है, मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डायरेक्शन है, सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है, लेबर सेस को प्रॉपरली हम इम्प्लीमेंटिंग करना है और बेनिफिशियरी को हम और 2018-19 तक कम से कम 1.5 लाख बेनिफिशियरी हमको लाना है। उसका हिसाब से वो लोग का जो ऑनर्स है उसका हिसाब से तो 7-8 करोड़ जा रहा है, लेकिन हम लोग 7-8 करोड़ तो हम लोग खरीद किया नहीं है, जो जितना हम लोग का जो कैपेसिटी है हम लोग इतना में खरीद किया है। एक्चुअली हम लोग को गवर्नमेंट से पैसा नहीं मिलेगा और इसमें प्योरली 1% सेस से हम लोग का इम्प्लीमेंट होता है। लेबर सेस जो जहाँ में कंस्ट्रक्शन चल रहा है पार स्कीम से, जितना 1 लाख हो 2 लाख हो, जो भी गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल का अंदर में जो काम करता है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, रोड हो, ब्रिज हो, बिल्डिंग हो, जो भी हो, उसमें से 1% लेबर सेस को यहाँ डिपॉजिट करता है। तो उसी का पैसा से हम लेबर का वेलफेयर में देता है, लेबर का वेलफेयर में इम्प्लीमेंट करता है, एज पर एक्ट का मुताबिक जो रूल में है इसका मुताबिक करता है। मेरा ये सबसे मेन एजेंडा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स है कि कुछ कुछ डिपार्टमेंट अभी तक सेस कलेक्शन में नेग्लिजेंसी हो रहा है, डिफंटल हो रहा है, उसको अभी हम लोग स्ट्रिक्टली हम लोग एक्शन लेने का हम एक्सरसाइज शुरू करने वाला है। इसके लिए मैंने गवर्नमेंट को भी बताया है, चीफ मिनिस्टर को भी लेटर इन्फॉर्मेशन दे चुका है, इसके लिए मैंने स्ट्रिक्टली अभी हम एक्सरसाइज करेगा, खास करके BSNL का। BSNL अभी अरुणाचल में BSNL का 2000 अभी
12 years हो गया लेबर वेलफेयर बोर्ड जो है कंस्ट्रक्शन बोर्ड जो है आज तक BSNL से हमको एक रुपया भी सेस नहीं मिला है। इसका बाद अभी हम लोग रेलवे में एक्सरसाइज करेगा BSNL में एक्सरसाइज करेगा साथ में मेरा जितना जो ट्रेड यूनियन लीडर्स है लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो लीडर्स है क्योंकि इनका भी ड्यूटी बनता है 1% सेस में अगर कोई नहीं दे रहा है लेबर वेलफेयर में ट्रेड यूनियन का भी वो लोग का भी अधिकार है पूछताछ करने का लेता लिखने का क्योंकि ये रूल ऐसा है कि अगर कोई 1% सेस नहीं दिया कोई जनरल मैनेजर चला गया कोई एजुकेटिव इंजीनियर चला गया यहाँ से पोस्टिंग भी चला गया लेकिन वही आदमी का पॉकेट से ही देना पड़ेगा इन पेनल्टी का साथ ही देना पड़ेगा। सबसे पहले गवर्नमेंट को ये प्रोफाइल को देखना है इसका बायोडाटा को देखना है कि वो आदमी लेबर में कितना एक्सपीरियंस है क्योंकि मैं एक ग्रासरूट लेवल से आने वाला हूँ कि मैं कोई ऊपर से नहीं आया मैं तो नीचे से आया हूँ कि ये लेबर वेलफेयर बोर्ड को हम लोग यहाँ में जितना यूनियन लीडर्स यहाँ जो खड़ा है हम लोग 15 ईयर से डिमांड किया है 97 से हम लोग डिमांड शुरू किया 2007 में कामयाब हुआ। हमको ये मालूम है कि मैं पैसा से नहीं है लेबर वेलफेयर क्या करना है गरीब को कैसे सेवा करना है अरुणाचल का मजदूर भाई को अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो ऑर्गेनाइज सेक्टर हो जो भी हो किसान हो उसको कैसे सेवा करना है ये बोर्ड का पैसा से वो हम लोग देखता है। लेकिन मैं अरुणाचल का लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जितना भी पब्लिक है जो भी कार्यकर्ता हो कोई पार्टी का हो नॉन बिजनेसमैन हो जो सोशल एक्टिविटी है स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन हो सबको मैसेज देना जो आपका कोई रिलेटिव में भाई बहन में कोई मजदूर में काम कर रहा है लेबर में कोई काम कर रहा है आंगनवाड़ी आशा कर्मी में कोई काम कर रहा है इनको ये मैसेज पहुँचा देना है कि बोर्ड का ऑफिस SS सेक्टर में ईटानगर में है आपका कोई भी बेनिफिशियरी कुछ भी कार्ड बनाना है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है लेबर का वेलफेयर लेबर का बोर्ड का बेनिफिट क्या क्या मिलता है उसको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए परमानेंट ऑफिस ईटानगर में बन चुका है वो हमको मैसेज